हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, आज बनाते हैं एक यूनिक सी रेसिपी। तो आज मैं बनाऊंगी राइस केक। तो ये इसकी बनाने की जो रेसिपी है ना, थोड़ी सी अलग है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए ना मैंने यहाँ पे थोड़े से नारियल लिए हैं। तो थोड़े से नारियल को ना मैं इस तरह से थोड़े से कट्स कर लूँगी छोटे छोटे टुकड़ों में। राइस केक में ना इसके जो क्रंच थोड़े से नारियल के टुकड़े आएंगे ना, वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ना मैं यहाँ पे थोड़े से इसके छोटे छोटे पीसेस में इसे कट कर लूँगी और ना थोड़े से नारियल को ना मैं यहाँ पे ग्रेट कर लूँगी। तो अपना मोटा वाला या फिर पतला वाला जो भी ग्रेट साइज़ का आप इसमें ग्रेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पूरा जो बारीक वाला साइज़ है ना, उसी से मैं ग्रेट कर लूँगी। और ना नारियल की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से इसमें कम या फिर ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन इसमें नारियल का जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पे नारियल भी ग्रेट हो चुका है और देख सकते हैं मैंने यहाँ पे थोड़े से काजू लिए हैं, थोड़े से इलायची लिए हैं और किशमिश, थोड़े से ग्रेट किए हुए नारियल और यहाँ पे बारीक टुकड़े में काट के लिए हैं। और इसके लिए ना राइस लिए हैं, आप कोई भी राइस ले सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्रोकन वाले जो राइस है ना, उसे ली हूँ, 3 से 4 घंटे भिगा के लिए छोड़ दी थी। अब इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। और ना अब मेज़रमेंट की बात करें तो मैं इसमें 1 कप के करीब ली हूँ राइस। तो अपना मेज़रमेंट के लिए कोई भी कप या फिर कटोरा इसमें फिक्स कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ना पूरे राइस को ले लूँगी और इसमें 1/2 कप के करीब पानी ऐड करूँगी। तो याद रहे कि इसमें मेज़रमेंट का बहुत ही ज़्यादा ये है, आप इसमें मेज़रमेंट ज़रूर याद रखें। तो इस कप से मैंने इसमें 1 कप के करीब चावल लिया था। तो यहाँ पर अभी मैं 1/2 कप यहाँ पर पानी ऐड करूँगी और बाद का मैं और 1/2 कप बाद में ऐड करूँगी। और इसका ना एक पूरा स्मूथ सा पेस्ट, थोड़ा सा भी दरदरा नहीं रहेगा, हमें इसका स्मूथ पेस्ट तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसका पूरा स्मूथ पेस्ट तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आप ना इसे एक बार चेक कर ले। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा जो स्मूथ पेस्ट यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। एक बर्तन में निकालने के बाद ना मैं इसमें और 1/2 कप पानी दूंगी। तो टोटल मैंने इसमें 1 कप पानी का यूज़ किया है। इसमें इस पानी को भी ऐड कर देंगे। तो चलिए अब बाकी की तैयारियां कर लेते हैं। तो इसके लिए ना मैंने यहाँ पे दूध लिया है। आप कोई भी दूध, पैकेट वाला दूध या फिर घर का दूध यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे एक पैन लूँगी। पैन में ना 1 चम्मच घी ऐड करेंगे और घी थोड़ा सा जैसे गर्म हो जाए ना, इसमें हमने जो ड्राई फ्रूट्स लिया था उसे थोड़ा सा हमें फ्राई कर लेना है। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप ड्राई फ्रूट्स की ना क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स जैसे थोड़े से रोस्ट हो जाए, इसमें थोड़ा सा ही रोस्ट करना है। और जैसे थोड़ा सा रोस्ट हो, अब ना इसमें मैं दूध ऐड करूँगी। तो हमने 1 कप हमने चावल लिया था, उसी कप से ही मैं यहाँ पर 4 कप के करीब दूध लूँगी। और 1 कप हमने पानी का यूज़ किया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं टोटल 4 कप के करीब दूध लूँगी। अपना बॉइल्ड वाला दूध या फिर कच्चा दूध का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे दूध को गर्म ही करना है। अब ना इसके बाद ना दूध जैसे थोड़ा सा गर्म हो जाए ना, इसमें हमने जो ग्रेट इसमें इलायची डालेंगे, तो मैं यहाँ पे 2 इलायची को कूट के रखा था उसे इसमें डाल दूँगी। और साथ में ना हमने जो ग्रेट करके रखा था नारियल को ना, उसे डाल देंगे। और जो कट्स करके रखे थे नारियल को, उसे भी इसमें डाल देंगे। और इस सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हमें लो फ्लेम में ही दूध को गर्म करना है, जैसे कि ना हम इसके जो नारियल वगैरह का हमने इसमें फ्लेवर ऐड किया था ना, वो इसमें अच्छे से एडजस्ट हो सके। तो अपने मिठास के लिए इसमें चीनी ऐड करेंगे। आप ना चीनी के बदले ना इसमें ना गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको मीठा जितना पसंद हो ना, आप उसी हिसाब से इसमें चीनी ऐड करें। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा कम मीठा ही यूज़ कर रही हूँ। दूध में चीनी ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और दूध को ना हमें थोड़ा सा उबलने के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं नमक का यूज़ करूँगी, क्योंकि इसमें नमक अगर हम यूज़ करेंगे तो इसकी मिठास बैलेंस हो जाती है। अब सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे ना फ्रेंड्स, दूध में ना अच्छे से उबाल आ चुका है। आपको पता चल रहा होगा इसमें धीरे धीरे उबाल साइड से बन रहा था। तो ना अपना हमने जो चावल का जो पेस्ट तैयार किया था उसे हम ऐड करेंगे। तो एक हाथ से हमें चावल का पेस्ट ऐड करना है थोड़ा थोड़ा, फिर एक हाथ से हमें इसको मिक्स भी करते रहना है, वरना ना इसमें लम्ब्स पड़ जाएंगे।
तो इसको बहुत ही केयरफुली हमें थोड़ा थोड़ा डालते हुए हमें मिक्स करना है, वरना ना ये लम्स हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है, और इस स्टेज में ना हमें इसे लगातार इसे चलाते रहना है, वरना ना इसमें लम्स पड़ जाएंगे। तो आप देख रहे होंगे कि थोड़ा थोड़ा जैसे कि गाढ़ा होते हो रहा है, हमें अच्छे से इसे थोड़ा सा पका लेना है। आपको ना इसमें पकाने के लिए लगभग 5 से 6-7 मिनट का समय लगेगा, और इसी बीच आप देखेंगे कि ये अच्छे से ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं चावल अच्छे से ठीक हो चुका है। अब हमें इसी स्टेज तक इसे चलाना है। अब मैं गैस को ऑफ कर दूँ, वरना हमें इसे ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। इसी समय ही हमें इसे बेक करने के लिए सेट करेंगे, वरना ये ना ज़्यादा ठंडा हो जाने के बाद ना अच्छे से सेट नहीं होगा। तो इसे मैं बेक करने के लिए ना इस तरह का एक कढ़ाई लूँगी, और इसमें ना केले के पत्ते को इस तरह से रख दूँगी। आप चाहे ना इसमें बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये ना उड़ीसा की बहुत ऑथेंटिक रेसिपी है, तो मैं यहाँ पे केले के पत्ते का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसमें ना इसको बेक करने के लिए ना केले के पत्ते का ही यूज़ किया जाता है। अब ना केले के पत्ते को सेट करने के बाद ना मैं इसे थोड़ा सा इसमें घी लगा दूँगी, और ना घी लगाने के बाद ना इसे मैं तुरंत ही इसमें डाल दूँगी। तो ये ना मतलब गर्म है, इसको 5 मिनट ही हुआ है निकालते थे। अब इसे ऊपर से थोड़ा सा सेट करेंगे, ताकि ये थोड़ा सा चिकना हो जाए ऊपर से अच्छे से। तो अपना हाथों में पानी लगाकर इसे सेट कर सकते हैं, या फिर स्पैचुला की हेल्प से आप इसे इस तरह से सेट कर लीजिए। फ्रेंड्स, आप ना इसे एक बार घर में बना के देखिए ना, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, और ना अंदर से बहुत ही स्मूथ बनता है, और ना ये जो उड़ीसा का जो छेना पोड़ा है ना, उसी के टाइप का ही ये स्वीट रेसिपी है। आप इसे एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें। अब ना ऊपर से मैं इसमें थोड़ा सा घी डाल दूँगी, ताकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगे। घी डालने के बाद इसे चारों तरफ से इस तरह से स्प्रेड कर लूँगी। अब इसमें लिड लगा कर या फिर ढक्कन से इसे अच्छे से ढक दें, और इसे बेक करेंगे। तो बेक करने के लिए तो मैं यहाँ पे ना तवा गरम करूँगी, तवा के ऊपर मैं इसे बेक करूँगी, और इसे अच्छे से ढककर हमें बेक करना है। तो मैं यहाँ पे तवा गरम करने के लिए रख दूँगी। इसके बाद ना इसके ऊपर मैं इसे रखूँगी 40 से 45 मिनट तक, पूरा लो फ्लेम में इसे हम छोड़ देंगे 40 से 45 मिनट तक का। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मिलते हैं कुछ देर में। तो मैं यहाँ पे इसे 40 मिनट के बाद इसे चेक कर रही हूँ। आप साइड से इसे देख सकते हैं कि ना ये थोड़ा सा ब्राउन हो चुका है, मतलब ना एक तरफ से अच्छे से बेक हो चुका है। तो अब ना मैं इसे पलट दूँगी दूसरे तरफ। अब ना मैं एक थाली के हेल्प से ना इसे पलट के इसे दूसरे तरफ मैं इसे बेक करूँगी। तो आप वीडियो में दिखाए हुए तरीके से आप इसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं एक तरफ से कितने अच्छे से बेक हुआ है। हमें इसी तरह से दूसरे तरफ भी इसे बेक करना है। तो दूसरी तरफ बेक करने के लिए इसे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 5 मिनट ही इसे बेक करने के लिए लगेगा, क्योंकि ना ये नीचे से अच्छे से बेक हो चुका है। तो 5 मिनट बाद मैं इसे अभी चेक कर रही हूँ, और आप जब इसे रिमूव करें तो अच्छे से ये ठंडा हो जाना चाहिए, तभी आप इसे रिमूव करें। तो इसका कितना अच्छा कलर आया, आप इसकी स्पॉन्जिनेस को देख सकते हैं कितना फ्लफी बना है। ये इसी तरह से ही बनता है। तो फ्रेंड्स, चलिए अपना ठंडा होने के बाद इसे चेक करते हैं कि कैसा बना है। एक बार ना नाइफ भी डाल के देख सकते हैं। तो देख सकते हैं ये ना बहुत ही अच्छे से बना है, और ना चिपक भी नहीं रहा है। तो चलिए इसे अच्छे से ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब ना ये अच्छे से ठंडा हो गया ना, तब मैं इसे अब निकाल रही हूँ, क्योंकि ना अगर गरम गरम मैं इसे थोड़ा सा निकालेंगे ना, ये टूट भी सकता है, क्योंकि ना बहुत ही सॉफ्ट है, जेली जैसा ही है। और ना जो केले का पत्ता है ना, उसे भी हम निकाल लेंगे। तो फ्रेंड, देख सकते हैं अंदर से कितने अच्छे से बेक हुआ है बाहर, और ना ये जो देख सकते जेली जैसे कितना अच्छा लग रहा है, तो और कितना सॉफ्ट भी बना है, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। तो इसकी अब कटिंग कर लेते हैं, अंदर से भी देख लेते हैं ये कैसा बना है। तो ना नाइफ में मैं यहाँ थोड़ा सा घी लगाऊँगी, जिससे कि ना ये ज़्यादा ना चिपके।
तो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं, चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये नीचे की तरफ से ना थोड़ा हार्ड था, तो इसने मैं इसे बाहर की तरफ से कट कर रही हूँ और ये बहुत ईजिली कट भी हो गया। तो फ्रेंड्स देख सकती कितना सॉफ्ट बना है और कितना जेली जैसा दिख रहा है, और ना खाने में भी उतना ही टेस्ट है, क्योंकि दूध से बना है तो ऑब्वियसली खाने में बहुत ही टेस्टी बना था। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि हर एक वीडियो पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं इसी तरह से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।